क्योंकि अभी घर पे सिर्फ मैं और बच्चे लोग ही है। मम्मी पापा संतोष गए हॉस्पिटल क्योंकि Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. हाय एवरीवन, दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत बिजी था और कल इधर का सब लोग थोड़ा डर गए थे क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं था और बहुत सारे जगह पे मतलब हमारे आसपास के एरिया पे भी फ्लड हो गया था। हमारे इधर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक गॉड आज बारिश नहीं है। और अभी मैं थोड़ा रूम का थोड़ा टाइडी अप कर रहे थे, बेडशीट सब चेंज करना है, थोड़ा चेंज किया है, बेडशीट चेंज किया है, पिलो सब ठीक से रखना है। मैंने सोचा है ब्लॉग भी कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि अभी घर पे सिर्फ मैं और बच्चे लोग ही है। मम्मी पापा संतोष गए हॉस्पिटल क्योंकि आज सुबह से ना माँ को मतलब कुछ ब्लीडिंग आ रहे हैं, जब यूरिन करते हैं ना तब थोड़ा ब्लीडिंग आ रहे हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया होगा, लेकिन कैसे भी एक बार डॉक्टर को दिखा दिया तो अच्छा है ना। और क्या है, हाँ खुशी बुला रहे हैं। मैं रूम बंद कर वो कर रहे थे, नहीं तो ये लोग इतनी बार बुलाया, उनको खाना देकर मैं ऊपर आया था रूम साफ करने के लिए। बारिश है ना इसलिए कपड़ा सब देखो इधर ही सुखा रहे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्टेयरकेस में कपड़ा सुखाना, खराब हो जाएगी इसलिए। लेकिन क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने ही डाला है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर अभी नीचे चलते हैं, खुशी और चुंसी लंच खा रहे हैं दोनों को, लंच नहीं लंच हो गया होगा, आइसक्रीम दिया था दोनों को। किधर है ओ पापा, फनो ओ पापा, सब लोग आ गया। देखो इधर फ्रिज खोल खोल कर एंदो और निम्बड़ है मम्मी के यूरिनरी इन्फेक्शन अंडर पापा मम्मी संतोष लंच खा रहे हैं और मैं इधर आइसक्रीम का मजा ले रहे। आजकल मैं लंच नहीं खाती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है डेली डेली आइसक्रीम खाती हूँ। आज मन लगा क्योंकि बच्चों लोगों ने निकाला है ना आइसक्रीम, इसलिए आइसक्रीम खाती हूँ मैं, लंच छोड़कर सीधा डिनर खाती हूँ। और हाँ, माँ को क्या हुआ था, माँ को यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया था, फिर ऑलरेडी डायबिटिक्स था पापा मम्मी दोनों को, लेकिन माँ को बहुत सारे से डायबिटिक्स नहीं था। पापा को हमेशा हाई रहता है, इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मम्मी को नहीं था बहुत साल से, लेकिन अभी मम्मी का बहुत हाई डायबिटिक्स हो गया क्योंकि कोई आ गया। पापा अबे आरो वांगने हटो, आरो मको कोई आ गया बाहर। हाँ क्योंकि चाय और बिस्किट बहुत खाते हैं, शायद उसी वजह से डायबिटिक्स कम मैं सोच कर रखा था, लेकिन उसी वजह से शायद ज़्यादा हो गया। और क्या है, और फिर माँ को है ना और एक प्रॉब्लम है, वो हिंदी में कैसे बताना मुझे नहीं मालूम है, वो यूरिनरी वैसा ही कुछ तो कोई आ गया, मैं देखती हूँ कौन आया। हमारा कोकोनट ट्री से है ना कोकोनट डालने के लिए कोई आया था, संतोष उसी के लिए मुझे बुला रहे थे। मैं सबसे पहले आप लोगों को आइसक्रीम दिखाते हैं, देखो संतोष कुमार आइसक्रीम दिखाते हैं, ये पता नहीं आप पिस्ताशियो नहीं कीवी आइसक्रीम, देखो ये देख लेना, ये कीवी नहीं नहीं कीवी है, कीवी बहुत मैं पहली बार देख रही हूँ, बहुत टेस्टी वाला है ये आइसक्रीम। बटर स्कॉच लेके आए वो भी है इधर, वो लेके आया अभी, हाँ वो भी फिनिश होने वाला है, नया जो लेके आया। और माँ को क्या प्रॉब्लम था वो रिंग का वो बता दो, बाकी मैंने बताया। नहीं यार, यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर बाहर आ गया था, मतलब बाहर आता है बॉडी से, तो कुछ एज में लेडीज को होता है प्रॉब्लम, तो उसको रिंग डालना पड़ेगा, वही वो ट्यूसडे को जाना पड़ेगा उसी के लिए। हाय खुशी, देखो खुशी आज दोपहर में लंच नहीं खाई क्योंकि इतना सारा चॉकलेट्स खा रहे हैं आजकल। नो हाँ स्नैक्स, नो आई ओनली हैड डोसा, cuz आई डोसा खा लिया उसके बाद, इफ देयर सो मच चॉकलेट्स देन इट एम दैट्स व्हाई वी डोंट ब्रिंग सो मच। पापा है ना जब भी बाहर जाते तो बहुत वैरायटी वैरायटी बिस्किट,
हमारे घर में अम्मा को है ना बहुत अलग अलग खाना मतलब बनाकर खिलाने का, इधर पापा खरीद कर लेकर आते, बहुत वैरायटी वैरायटी हम लोग भी पहली बार देखते होगा, वो सब डब्बे में भर कर है ना बच्चों के सामने रख लेते हैं और ये लोग इतना मजा लेते हैं ना, इधर मैं अलाउड करती हूँ क्योंकि उधर जाकर ऐसा नहीं होता है ना। At home we don't do that, so that's why I don't eat much chocolate. हाँ, so that's why I don't get tempted. उधर चॉकलेट नहीं खाते हैं? मैं खरीदते नहीं है, लेकिन संतोष अगर ट्रिप के लिए गया तो आप लोगों को मालूम है ना बहुत सारे लेकर आते हैं, और पापा और बेटी। Now there's way more chocolates. I choose opening all of them. हाँ. So that means I got to eat them. देखो बाहर चलते देखो कोकोनट ट्री से कोकोनट डालने जा रहे जाओ कोकोनट ट्री को ठीक है हां रिकॉर्ड कर लो खुशी देखो मुझे आइसक्रीम नहीं मिला सो आस्क मी टू डू इट समबडी एल्स एवडा इडा बोदे एवडा इडना पुल्ली हाँ ये नहीं दिखाया ना हमारा ये सब ठीक कर दिया ये सब ठीक करके ऊपर फिर से टाइल्स डाल दिया लेकिन लास्ट ईयर आप लोग देखा होगा इधर कैसा था अब देखो पूरा बारिश की वजह से ऐसा हो गया अभी सब कुछ पेंट करना है इधर भी नीचे भी पेंट करना है लेकिन अभी नहीं करेंगे बारिश थोड़ा कम होने के बाद ही पेंट करें है ना पेंट करेगा हाँ क्योंकि अभी किया तो भी है ना फिर से यही होगा देखा ऊपर भी पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है इधर भी पूरा ये हो गया देखो कोकोनट डालने आ रहे ये सब मशीन है ना पहले यूज नहीं करते थे लेकिन आजकल कोकोनट डालने के लिए हाँ देखो मे बी ये पहली बार देख रहे अरे यही तंगे मुझे एडम फोटो लेके हाँ 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 हा। पहले कोकोनट जो डालने के लिए आते हैं ना उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी थोड़ा अलग था तो लुंगी पहनते एक शर्ट पहन कर आते लेकिन वो जब कोकोनट ट्री में चढ़ते हैं ना तब वो खोलते हैं शर्ट खोलते हैं मतलब इधर एक टॉवल से बांध लेते थे लेकिन आजकल है ना पैंट शर्ट वो सब मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट हो गया है ना इसलिए ईजी हो गया इसलिए लीव से ना पूरा ऊपर तक जा रहे थे इसलिए वो कट कर रहे हैं वो विंडो पर टच किया था ना बारिश के टाइम में पूरा विंडो ख़राब हो रहा है ये तो कोकोनट ट्री है ना इसमें चटने की ज़रूरत नहीं है ये तो बहुत छोटा वाला है इसमें तो हाथ से कोकोनट तोड़ सकते हैं उसमें लैडर रखना पड़ेगा तो उसमें है कोकोनट इसमें एक छोटा सा आ गया अभी और इसके अंदर कोकोनट होगा देखो देखो अब ये कोकोनट ट्री चढ़ने जा रहे हैं ये काफी बड़ा वाला मतलब उसमें बहुत सारा है पता नहीं आप लोग को दिख रहा है बहुत सारा कोकोनट है दिखाते हैं कैसे चढ़ेंगे क्योंकि मैं भी ये पहली बार देखने जा रहे पहले क्या है ना पहले देखो ऐसा वाला स्टेप बनाकर रखते थे देखो उधर देखा ऊपर से चढ़ता था हाँ आजकल तो ये नया तरीका से ऐसे फिट कर रहे हाँ മൂത്ത നാളികളെല്ലാം ഇടുക ഒരു അഞ്ചാറ് കരിക്ക് വലിയ മൂത്ത കരിക്കാവണ്ട വെള്ളം പ്ലസ് ഇത്തിരി കിട്ടുന്നതാണ് हाँ 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 हाँ
एक चुंगसी पहली बार करी के टेंडर कोकोनट खाने जा रहे हैं। शील कटो कुछ भी नहीं है। देखो एक मैडम ग्लास में डाल दिया पानी और ये देखो वाटर पी लिया, अभी कोकोनट डाला ना उनको फ्रूटी दे रहे। देखो वंस इन एवरी 2 मंथ्स यू विल कम एंड इन द कोकोनट। हां इब्राहिम हर दो महीने में एक बार आकर इधर कोकोनट डाल के जाता है। वो नेक्स्ट वीक भी आएगा क्योंकि कोकोनट ट्री में है ना कुछ कीड़ा आ गया, इसलिए पूरा कोकोनट नहीं डाल पाया। वो सब ठीक करने के लिए नेक्स्ट वीक आएगा। ये सब आप लोगों को दिखा करना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहला यह सब चीज़ का वैल्यू नहीं था। देखो कौन आ गया, गेट खोलने का वेट करते आकर अभी एक घंटा, कितना भी टाइम है गेट जब तक बंद करेगा तब तक इधर ही रहेगा। हमारा घर का नहीं है कुछ नहीं खरेगा, वो देखते रहेंगे। और हाँ पहले क्या है ना, पहले भी बचपन से देख रहा है कोकोनट से कोकोनट डालने के लिए कोई ना कोई आ जाता है, माइंड भी नहीं करते थे, सिर्फ कोकोनट पानी पीने के लिए जाते थे। लेकिन अभी है ना स्पेशली आज मुझे इतना अच्छा लगा है क्योंकि आप लोगों को दिखा पाया, बच्चे लोगों को, बच्चे हर साल मैं इधर आने के बाद सोचती हूँ बच्चे लोगों को एक बार कोकोनट ट्री से ये सब डालकर खिला, मतलब ये कोकोनट ट्री से कैसे कोकोनट डालना है वो सब दिखाना है। लेकिन कभी भी मौका नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ रीज़न से ना नहीं हो पाते। लेकिन इस बार मैंने पापा को बोला था हम लोग जब है ना तभी उनको बुला दो, नहीं तो ना हम लोग आने के पहले ये सब काम पापा उधर भी कर लेते हैं। 42 ले, हाँ 48 कोकोनट ट्रीज है, 42 कोकोनट मिला है। पापा आकर बोल रहे हैं और भी डालना है लेकिन वो कीड़ा की वजह से पूरा नहीं डाल पाया। मैं दिखाती हूँ, हाँ आप लोगों को और बच्चे लोगों को ये सब दिखा कर है ना बहुत अच्छा लगा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नया हो गया, स्पेशली नॉर्थ साइड में रहते हैं ना उधर कोकोनट ट्री इतना ये नहीं है ना, और ये सब देखकर माइंड मत करना क्योंकि बारिश का टाइम है ऐसे रहता है, समर में ये सब ठीक कर लेते हैं। इधर भी है और इधर भी है और ये डब्बा अच्छा है, वहाँ राजस्थान का ये क्यों बाहर रखा है मालूम नहीं है, बहुत पुराना ये तरह संतोष का एज का होगा ये। जैसे ही घर का सराउंडिंग एरिया का क्लीन करना है वैसे ही मेरा चेहरा का भी क्लीनिंग का, चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है बाल का भी, उसको बाल पूरा मतलब कॉम का करना बहुत दिन हो गया और चेहरे पर देखो पूरा पिंपल्स, मुझे कभी भी पिंपल्स नहीं होता है, पता नहीं अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे बाल का भी चेहरे का भी। बाल सब देखो इतना ड्राई हो गया, खुशी का मदद लेना पड़ेगा ऑयल सब डालने के लिए। बारिश देखो, मौसम देखो, बारिश नहीं है आज, शायद अभी होगा
लेकिन पूरा क्लाउडी वेदर है। इधर ऐसा लगता है ये क्लाउडी वेदर है, लेकिन यूके में हमेशा ऐसे ही रहता है ना, ग्रीनरी और क्लाउडी वेदर। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं, धूप से ज़्यादा मुझे ऐसा वाला वेदर अच्छा लगता है। मैं इधर करती हूँ, पापा पर का वो हॉल है ना, वो पापा कर रहे हैं, मतलब और ऊपर का वो रूम है ना पापा कर रहे हैं, क्योंकि उधर पूजा रूम है, मतलब पूजा का एरिया है, उधर हमेशा पापा ही करते हैं। और चुंगसी और खुशी पूरा मजा ले रहे वेकेशन का। I mean, that's the whole point of a vacation. That's the whole point. और क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, डिनर में क्या बनाना है? लंच का तो मुझे मालूम है। हाँ, you should make कल पनीर बनाया, आज पनीर नहीं है। वे, you should make wait, wait, thinking, there's nothing. क्या बनाना है? संतोष कुमार का कॉल भी फिनिश हो गया, आ गया। चल रहा है कॉल, फिनिश नहीं। चाय बनाने के लिए आ गया, करेक्ट। चाय बनाने का काम है ना संतोष कुमार को है। मैं चाय, आप लोगों को मालूम है, इतना एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है। डायबिटिक्स चेक किया है, उसका रिजल्ट आ गया, मीडियम बोल मीडियम बोल रिजल्ट आ गया, वो काफ़ी हाई है, 400 से ऊपर है, मतलब डेंजर लेवल से ऊपर है। इसे संदेश डॉक्टर को अभी कॉल कर रहे हैं। मैं सबको बोल रही थी माँ का डायबिटिक्स थोड़ा ज्यादा हो गया। डायबिटिक्स। आज का ब्लॉग इधर एंड कर लेते हैं। अभी मम्मी को लेके ट्यूसडे हॉस्पिटल जाना है, अभी वो रिजल्ट 400 से ऊपर है डायबिटिक्स का। डायबिटीज मेरे मुंह से हमेशा डायबिटिक्स ही आते हैं। हाँ, डायबिटीज 400 से काफ़ी, 460 ऐसा है, बहुत ज़्यादा है। अभी फ़ोन करके डॉक्टर को सब पूछा है, मम्मी अभी बात कर रहे शायद, वो क्या डॉक्टर सब बोला है, वो डॉक्टर ने क्या बोला वो सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आई होप आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।